दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा व्यापार मेला बुधवार को खत्म हो गया। ये मेला हर बार चोरों के निशाने पर होता है। मेले में हर साल हजारों की संख्या में भीड़ आती है और चोरों के निशाने पर इस मेले में आने वाले लोग तो होते ही हैं, साथ ही साथ वो स्टॉल भी होते हैं जो ट्रेड फेयर में लगे होते हैं। इस बार भी चोरों ने इस मेले को अपना निशाना बनाया। जी हाँ, आपको बता दें कि 14 नवंबर को शुरू हुए इस व्यापार मेले में अब तक चोरी के 18 एफआईआर दर्ज हुए हैं, जिसमें 14 ईएफआईआर हैं। हालांकि पुलिस की माने तो पिछले साल के मुकाबले इस बार चोरी में 50% तक की कमी आई है। उसकी एक वजह तो ये है कि इस बार प्रगति मैदान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, दूसरा इस बार दुकानों की स्टॉल कम लगी थी। दिल्ली पुलिस को तमाम ऐसी सीसीटीवी फुटेज भी मिली जिसमें चोर चोरी करते नजर आ रहे हैं। चोरी करने में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल थी। चोरी के इन मामलों में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ट्रेड फेयर के डीसीपी अजय तोमर के मुताबिक इस बार ट्रेड फेयर में रोज करीब 50 से 30 हजार लोग आए। पूरे ट्रेड फेयर की सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस का था, लिहाजा दिल्ली पुलिस के जवानों से साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया था। चोरों पर निगरानी रखने के लिए पुलिस के 97 सीसीटीवी कैमरे बाहर लगाए थे। चोरों से बचने के लिए दुकानदारों ने भी सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। हर साल 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलने वाला व्यापार मेला बुधवार को खत्म हो गया है।